पुलिस यानी कि हमारी आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात तैयार रहने वाले वो लोग जिनके बिना शहर में शांति संभव ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए उन्हें कानून के हिसाब से चलना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं जिनमें BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है, जिसमें पुलिस को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और उनके अधिकारों को बढ़ाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS के बारे में, जिसने पुलिस को कुछ अधिकार अधिक दिए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं उन्हीं अधिकारों के बारे में। दोस्तों अब पुलिस बिना गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से किसी को भी 24 घंटे हिरासत में रख सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। BNSS ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी CRPC की जगह ली है। इसके तहत पुलिस की सख्ती काफी बढ़ गई है। BNSS की धारा 172 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपने निर्देशों की अवहेलना करने के लिए 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। इसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य नहीं है, अपने स्तर पर ही उसे रिहा भी कर सकती है। पहले पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं कर सकता था। हिरासत में रखे व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना जरूरी था। BNSS की इस नई धारा को अधिकारी पुलिस हक के रूप में बता रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि कई बार लॉ एंड ऑर्डर की को संभालने की स्थिति को देखते हुए लोगों को हिरासत में रखना जरूरी था। अगर पहले इसकी अनुमति नहीं थी, उन्हें अदालत में पेश करना जरूरी होता था। लोग पुलिस पर अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाते थे। अब पुलिस आधिकारिक रूप से ऐसा कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ कानूनी लोगों का कहना है कि BNSS की इस धारा का पुलिस दुरुपयोग कर सकती है। पुलिस अब किसी को भी प्रताड़ित करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकती है। दोस्तों हथकड़ी लगाने की भी पुलिस को शक्ति मिल गई है। 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक घोषित किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 43 की उपधारा 3 में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई कैदी आदतन अपराधी है या पहले हिरासत से भाग चुका था या संगठित अपराध या आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा है, ड्रग से जुड़े अपराध करता हो, हथियार या गोला बारूद, हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, नकली सिक्के और नोटों की तस्करी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल रहा हो, तो ऐसे कैदी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी इस प्रावधान को भी अपने पक्ष में बता रहे हैं। कई मामले ऐसे हुए हैं जिनमें हथकड़ी न लगी होने के कारण अपराधी पुलिस हिरासत से भाग गए थे। दोस्तों भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून BNSS में पुलिस को असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं, जिसका उपयोग कर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।